नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। यूपी के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। यह रील्स बनाने में पद्मावत एक्सप्रेस से कटकर पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों ट्रैक के बीच में खड़े होकर रील्स बना रहे थे। वे इतने बिजी थे कि उन्हें ना तो ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी और न ही हॉर्न सुनाई दिया। घटना मसूरी इलाके की है। हादसा इतना भयानक था कि तीनों के शव कई टुकड़ों में बढ़ गए। शव ट्रैक से 100 मीटर की दूरी पर बिखरे पड़े थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस वालों को शवों के टुकड़ों को बीनकर उठाने में करीब 30 मिनट लगे। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंस्पेक्टर आरसी पंत ने बताया, बुधवार रात करीब 9 बजे कल्लूगढ़ी फाटक और दासना स्टेशन के बीच हादसा हुआ। 80 किलोमीटर की स्पीड से पद्मावत एक्सप्रेस गाजियाबाद से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। ट्रेन के लोको पायलट ने स्टेशन को दी गई लिखित सूचना में बताया कि 2 युवक और 1 युवती ट्रेन की पटरी पर खड़े थे। उनके मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू थी, जिससे ये दिखाई दे रहा था कि वो वीडियो शूट कर रहे हैं। पायलट ने कई बार हॉर्न भी दिया, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं दिया। तीनों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।